उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार दूसरे प्रदेशों में फंसे लोगों को वापस लाने में लगी हुई है। इसी क्रम में बुधवार को भारतीय रेल द्वारा 1200 श्रमिक भाई बहन गाजीपुर के सिटी रेलवे स्टेशन पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद थी, साथ ही पूरे स्टेशन को लगातार सैनिटाइज भी कराया जा रहा था। प्रशासन द्वारा रेलवे स्टेशन पर सभी की स्क्रीनिंग के लिए उचित व्यवस्था भी की गई थी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा थर्मल स्कैनिंग करने के पश्चात प्रमाण पत्र देकर यात्रियों को रोडवेज बसों में बैठाया गया। जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने बताया कि जलंधर से ये विशेष ट्रेन 1200 मजदूरों को लेकर गाजीपुर पहुंची है। कहा कि इसमें पॉजिटिव पाए जाने वाले व्यक्तियों को क्वारंटाइन किया जाएगा तथा शेष को उनके घर रोडवेज बसों के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें एक किट भी दी जाएगी जिसमें खाद्यान्न सामग्री होगी। जी सर, ये कहाँ से ट्रेन आई है? ये जालंधर से ट्रेन आई है। कुल 24 कोच है, इसमें लगभग 1200 लोग हैं। इनकी यहाँ पे डिटेलिंग की जा रही है और इनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। इसके बाद इसमें जो लोग जिनमें कोई लक्षण नहीं पाया जाएगा उनको उनके घरों को भेज दिया जाएगा, और जिनमें कोई लक्षण मिलेगा उनको फर्दर जाँच के लिए हम रोकेंगे। अब सुविधाएं यही है कि इनका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, यहाँ से इनको निःशुल्क, अगर ये पॉजिटिव नहीं पाए जाते हैं किसी भी तरह से स्वस्थ हैं तो इनको इनके घर भेजा जाएगा। साथ ही इनको एक किट भी दी जाएगी जिसमें खाद्यान्न होगा। रेलवे स्टेशन पर पुलिस फोर्स की चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। स्टेशन पर CMO डॉक्टर GC मौर्य, CO ओजस्वी चावला, कोतवाल धनंजय मिश्रा व यातायात प्रभारी सुधीर त्रिपाठी तथा डॉक्टरों की टीम भी पहुंची थी। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।